फिल्मों में आपने अक्सर देखा होगा, अदालत में जब भी कोई गवाही देने आता है तो वह व्यक्ति कटघरे में खड़ा होकर किसी किताब पर हाथ रखकर कसम खाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये प्रथा कब शुरू हुई थी और क्या ये प्रथा अब भी चालू है? आइए जानते हैं। भारत में आजादी से पहले यानी मुगलों और अन्य शासकों के शासन के दौरान धार्मिक किताबों पर हाथ रखकर शपथ लेने की प्रथा थी। हालांकि उस समय कोई कानून नहीं था, इसलिए यह प्रथा महज दरबारी थी। लेकिन अंग्रेजों के भारत आने के बाद इसे कानूनी जामा पहना दिया गया और इंडियन ओथ एक्ट 1873 पास किया गया और देश की सभी अदालतों में लागू कर दिया गया था। आजादी के बाद के कुछ सालों तक कुछ शाही युग की अदालतों जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट में नॉन हिंदू और नॉन मुस्लिम के लिए उनकी पवित्र किताब पर हाथ रखकर कसम खाने की प्रथा चालू थी, लेकिन 1969 में इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया। लॉ कमीशन ने अपनी 28वीं रिपोर्ट में भारतीय ओद अधिनियम 1873 में सुधार का सुझाव दिया था। इस तहत इसके स्थान पर ओथ एक्ट 1969 पास किया गया था। इस प्रकार पूरे देश में एक समान शपथ कानून लागू कर दिया गया। इस नए कानून के अनुसार भारत की अदालतों में शपथ सिर्फ एक सर्वशक्तिमान भगवान के नाम पर दिलाई जाती है, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी और ईसाई के लिए अब अलग अलग किताबों और शपथों को बंद कर दिया गया है। अब गवाह अदालतों में मैं ईश्वर के नाम पर कसम खाता हूँ या ईमानदारी से पुष्टि करता हूँ, जो मैं कहूँगा वह सत्य, संपूर्ण सत्य और सत्य के अलावा कुछ भी नहीं कहूँगा। बता दें, नए ओथ एक्ट 1969 में यह भी प्रावधान है कि यदि गवाह 12 साल से कम उम्र का है तो उसे किसी प्रकार की शपथ नहीं लेनी होगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है बच्चे स्वयं भगवान के रूप में होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि गवाह को कसम क्यों खिलाई जाती है? दरअसल जब तक किसी व्यक्ति ने शपथ नहीं खाई है तब तक वह सच बोलने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन जैसे ही व्यक्ति ने शपथ या कसम खा ली अब वह सच बोलने के लिए बाध्य है। इसलिए गवाह कोर्ट में जब जज के सामने कसम खाता है, लेकिन अगर अदालत ने उसका झूठ पकड़ लिया तो सजा पक्की है। अगर कोई व्यक्ति कसम खाने के बाद झूठ बोलता है तो इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 153 के तहत यह कानूनन अपराध है और झूठ बोलने वाले को 7 साल की सजा दी जाएगी।